हाँ, नया मेहमान भी आया हुआ है। ये देखिए जी, इसका साइज देखिए कितना बड़ा है। ये मिर्च देखिए, ये भी मेरी फेब्रुअरी में लगाई थी मैंने, और इसमें कुछ प्लांट चले कुछ नहीं चले। तो यदि हम यही सोचते रह जाएंगे तो कभी गार्डनिंग नहीं कर पाएंगे। और मैंने इसकी तो सब्जियां ना, इस न्यू शूट्स की तो कई बार खा चुकी, बस इसको इस तरह से यहाँ से तोड़ना है। बरसात का मौसम यानी कि गार्डनिंग का ढेर सारा काम, यही वो समय है जिसमें हम ढेर सारी कटिंग्स, नए नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। आज मैं भी कुछ अपने प्लांट्स रिपोर्टिंग करने लगी हूँ। सोच रही हूँ आज मैं आप लोगों को अपना किचन गार्डनिंग भी दिखाती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ में कुछ प्लांट्स ग्रो किए थे, यानी कि वेजिटेबल्स ग्रो किए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक उनका अपडेट नहीं दिया है, तो आज की वीडियो में मेरे किचन गार्डनिंग के उन वेजिटेबल्स का अपडेट भी है, तो मेरे साथ बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति आले मध्य प्रदेश से। आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। हाजिर हूँ मैं अपने वेजिटेबल्स का अपडेट लेके। वेजिटेबल्स की हाल बताऊँ तो दोस्तों कुछ सही नहीं है। ये वही पौधे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ मिलके लगाए थे। मैंने इन सब की तैयार पौध मार्केट से लेके आई थी, और इन कुछ तो ग्रो हुए और कुछ ग्रो नहीं हुए, क्योंकि उनकी हालत पहले ही ख़राब थी। फिर भी मैंने लगाया, तो यहाँ पे लगाए थे मैंने दो बैंगन के पौधे, तो ये तो चल पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए जी, बेचारा कोशिश में लगा हुआ है। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। यहाँ मिर्च लगाया था, ये गल गया है, ये देखिए। और यहाँ पे भी मैंने दो मिर्च का पौधा लगाया था, जिसमें एक बहुत अच्छे से चला है, दूसरा ये भी ख़राब हो गया है। कुछ पौधे मैंने टेरेस में लगाए थे और कुछ नीचे मैंने ग्राउंड फ्लोर में लगाए थे। तो हल्दियों का हाल दिखाऊं तो दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए जी, बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है। यहाँ पे दो शायद ये ग्रो हो जाएं, लग तो रहा चांस है। और दूसरे डब्बे की हल्दी, भाई साहब देखिए क्या ज़बरदस्त ग्रो हुई है। कुछ तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इनकी लीव्स बड़ी बड़ी भी हो गई हैं, यहाँ की लगभग सारी निकल चुकी है। और यहाँ रही मेरी ये मिर्च। दोस्तों मैंने इस मिर्च को फेब्रुअरी में लगा दिया था। फेब्रुअरी मार्च में लगाए हुए सब्जियाँ आप बरसात में अच्छी तरह से उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और एक यहाँ नया मेहमान भी आया हुआ है, ये देखिए जी, इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है। ये सारी की सब्जी मैंने ना फेब्रुअरी में लगा दी थी, और ये कोई मैंने बीज बाज़ार से ख़रीदे नहीं थे। घर में सब्जी जो आई थी उसमें एक करेला पका हुआ था, उसके सीड्स मैंने यूं ही डाल दिए थे। और यहाँ भी देखिए, मतलब कुल मिला के इसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग होने लगी है। पहले कुछ फ्रूट्स इसके ख़राब हुए, और अब ये सारे के सारे इसमें ढेर सारे लगने शुरू हो गए हैं। तो आपने यदि सही टाइम में बीज का रोपण कर दिया है, तो गर्मियों की सब्जियां बरसात में मिलती हैं, और अब हम जो बीज लगाएंगे वो हमें सर्दियों में अच्छी उसकी हमें हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो सही टाइम पे बीज का लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये देखिए जी, और ये देखिए वही सब्जी का कैरेट है। जब मैंने इसको बनाया था, मतलब कि भरना बताया था कि कैसे भरना है, तो वो वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर करी थी, और उसी में मैंने सब्जियां लगाई हैं। और देखिए रिज़ल्ट कितना अच्छा है इसका। ये कोको वायर है जो मेरे बेड का निकला हुआ था, इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत लाइट वेट है, बट इसकी मिट्टी बहुत ही पोरस और हेल्दी मिट्टी है। रिज़ल्ट आपके सामने, देखिए जी मेरी मिर्च में सारे फूल खिलने शुरू हो गए हैं। किसी भी सब्जी की उपज उसके सही टाइम की बुआई पर ही डिपेंड करती है। और यहाँ पे रही मेरी तोरी, जिसे गिलकी भी कहते हैं, इसकी बुआई भी मैंने फेब्रुअरी में कर दी थी। और दोस्तों इस तरह की बेल वर्गीय सब्जियाँ जो अब बरसातों में हो रही हैं, उनके लिए इस तरह का सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ऊपर की ओर चढ़ सकें। देखिए इसमें इतने सारे फ्रूट्स लग रहे हैं, तो इनको सपोर्ट देना है। और इसका उल्टा ही होता है गर्मियों में। गर्मियों में इसे सरफस में फैलने देना चाहिए, यानी कि गर्मियों में बेल को नीचे की तरफ फैलने देना चाहिए, और इसका उल्टा जस्ट बरसातों में होता है। क्योंकि यदि नीचे बेलें फैली रहेंगी तो पानी के संपर्क में रह के, मिट्टी के टच में रह के उनके गलने का खतरा होता है। यही छोटी मोटी सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रख के गार्डनिंग करनी होती है। आप अभी भी इन सारी बेल वर्गीय सब्जियों को लगा सकते हैं।
हल्दी लगाने का बेस्ट टाइम मानसून से पहले होता है, लेकिन आप अभी भी लगा सकते हैं। और यहाँ रही मेरी मिर्च, देखिए फ्रूटिंग होने लगी है इसमें। मिर्च के साथ एक समस्या आती है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे मिर्च के फूल गिर रहे हैं, रुकते नहीं हैं, तो उसका एक रीज़न होता है पानी का अधिक होना। तो आप अपने गमले को चेक कीजिए कहीं उसमें पानी ठहर तो नहीं रहा है, क्योंकि फूलों का गिरना ज़्यादातर पानी की अधिकता की वजह से ही होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ये नींबू का पौधा है, ये मैं रोड साइड से 30 रुपये का ख़रीद के लाई थी। और ये रहा भाई मेरी कड़ी पत्तों के पौधे, ये देखिए जी कितने घने हैं और लश ग्रीन। इसकी वीडियो मैंने दोस्तों ऑलरेडी डाल रखी है कि मैंने किस तरह से इसको इतना घना बनाया है, तो वीडियो ज़रूर चेक करें। आपको इन सब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये देखिए मैंने इस तरह के छोटे छोटे से डब्बों में और गमलों में लगा रखा है, वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और यहाँ इसमें देखिए छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं बहुत, और इसकी खुशबू बहुत ही तेज़ है, बहुत ही लाजवाब। और ये देखिए जी हम जाओगे वहीं घूमेंगे भाई साहब। और यहाँ रहे मेरे पुदीना, इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, घर में सब्जी के लिए आया हुआ था ये पुदीना, तो इसकी मैंने डंडियों को ऐसे ही लगा दिया था। और ये देखो ज़बरदस्त ग्रो कर गई हैं। मैंने वीडियो शेयर नहीं किया, बहुत कुछ होता है गार्डनिंग में दोस्तों, सब कुछ शेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कुल मिला के मेरे छत का हाल इस तरह से है, और छत पे गार्डनिंग मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे सेट होगा। कहने का मतलब है कुल मिला के कुछ पौधे ख़राब हुए, कुछ अच्छे चल रहे हैं, तो गार्डनिंग में ये सब कुछ चलता रहता है। यदि आपके 2-4 प्लांट ख़राब हो रहे हैं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बिल्कुल नहीं घबराती हूँ, बल्कि मेरा जोश और दुगना हो जाता है। तो इसी प्रकार से गार्डनिंग का काम चलता ही रहता है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। दोस्तों मैंने कुछ सीड्स बरबटी के इस यहाँ पे जो लाल वाला चंपा होता है उस पेड़ पे लगा दिए थे, और ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करने लगा है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि चीटे हैं, पूरे फल को खा जा रहे हैं। ये देखो पूरा चट गर गए, यहाँ से काट खाए हैं, और मतलब जगह जगह से ये पूरे फ्रूट खा लेते हैं। इसमें इतनी लग रहे हैं ना फलियाँ, ये देखो पूरी खा चुकी हैं। तो इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना पड़ेगा, मतलब इतने सारे हो रहे कि एक टाइम में कम से कम आपके 100 से 50 ग्राम की आपको मिल जाएंगी। तो मैं तो इसको तोड़ लेती, नहीं तो ये भी चट कर जाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिर्फ अपना किचन गार्डनिंग ही दिखाऊंगी कि मेरी कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं और किस तरह की हैं, क्या है। यहाँ पे मेरी भाजियाँ जो अब ना फूलने लगी हैं, तो एक बार और इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी, और इसके बाद शायद मैं इन सबको खाली ही कर दूँगी। और इसमें ना मिली बग्स का भी अटैक होने लगा है, ये देखे जी मतलब हर उसमें इस तरह के हो रहे हैं। तो आज की हार्वेस्टिंग के बाद शायद मैं ये डब्बा खाली कर दूंगी और फिर कुछ दूसरी सब्जी लगाऊंगी। और यहाँ रहा भाई मेरा ड्रैगन फ्रूट प्लांट, इसकी रिपोर्टिंग जब की थी ना मैंने आप लोगों से शेयर करी थी, और यहाँ पे कटिंग भी है, ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। और यहाँ मेरी काली मिर्च का पौधा, इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी, देखिए जी ये काली मिर्च के उसमें ना बैंगनी कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो आज पहले इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ले चलती हूँ नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ वहाँ भी ग्रो करी थी, उसका भी हाल आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फटाफट इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं और जल्दी से चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है वो जगह जहाँ मैंने कुछ टमाटर बैंगन के पौधे लगाए थे, तो इनमें से एक दो ही चले हैं, बाकी सारे मर गए क्योंकि प्लांट की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये देखिए वहाँ एक दो लगे हैं और कुछ भी नहीं लगा, मैं दोबारा फिर से ग्रो करूँगी। और वहाँ पे मैंने गंवार फली के सीड्स डाले थे, सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। और मैंने कुछ दिनों पहले पपीते के दो प्लांट लगाए थे, एक वो वहाँ लगा हुआ है और एक ये यहाँ लगाया है मैंने। और ये रहे भाई साहब मेरे कद्दू की बेल, जो पूरा जंगल हो चुका है। और वहाँ जो मैंने फूल में हैंड पॉलिनेट किया था ना, वो नहीं चला, पता नहीं क्या कैसे समझ नहीं आया। वैसे भी सारे हमारे जो फूल फल बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, अभी भी बहुत सारे फूल बनने लगे हुए हैं, इनको मैंने फिर से हैंड पॉलिनेट किया है, देखते हैं रिज़ल्ट क्या होगा। और इतने ज़्यादा घना मैं अंदर जाके दिखा नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि ये जंगल सा भी हो गया, डर भी लगता है, और ऊपर से बारिश बहुत हुई है ना, तो कीचड़ भी बहुत है। देखिए वो फूल दिख रहा है आप लोगों को शायद से, तो ये कुछ इस तरह से। और मैंने इसकी तो सब्जियां ना इस न्यू शूट्स की तो कई बार खा चुकी, बस इसको इस तरह से यहाँ से तोड़ना है और इसकी सब्ज़ी बना लो, बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है।
तो मेरी कद्दू की बेल तो ज़बरदस्त ग्रो हो रखी, और मैंने वहाँ पे कुछ गिलकी भी लगाए हैं नीचे। कोई भी पौधा ना पॉट से ज़्यादा अच्छा ज़मीन में अच्छी तरह से ग्रो करता है, बस कोशिश करते ही रहना चाहिए। एक बार यदि हमारे पौधे ख़राब हो गए यह सोच के हम कोशिश करना छोड़ देंगे तो सफल कभी नहीं होंगे। ये देखिए जी भाई, ये भी विज़िट करने आया हुआ है गार्डन में और हरियाली देखिए चारों तरफ। तो दोस्तों, इसी हरियाली के साथ में आज का वीडियो यहीं अंत करती हूँ। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय।